तो नमस्कार दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए हरी बीन्स की सब्ज़ी। हरी बीन्स ज़्यादातर लोग लेना पसंद नहीं करते इसलिए कि उनको बनाना नहीं आता, तो ये हमने हरी बीन्स यहाँ पे लिए है। हम आपको दिखाएंगे बना के, बहुत ही बढ़िया रेसिपी इसकी और मुझे बहुत पसंद आई और मैंने अपने लिए एक नया तजुर्बा इस सब्ज़ी में मैंने देखा, क्योंकि इस सब्ज़ी को मैं भी कभी ख़रीदता नहीं हूँ ना ही कभी बनाता हूँ। हालांकि मुझे पसंद है ये फूल गोभी के अंदर, आलू के, उसके कोई भी सब्ज़ी के अंदर, लेकिन ये मैंने इसको सिर्फ आलू के साथ बना के मैंने देखा और इसका टेस्ट वास्तव में बहुत गजब का आया, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये देखिए, मैंने इसको बारीक बारीक काट लिया है बीज को धोने के बाद। और अब कढ़ाई में मैं तेल ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं डालूँगा धनिया और जीरा, लहसुन मैंने काटा है एक छीलने के बाद, उसको भी इसमें फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी हींग ऐड कर लें। लहसुन होने के बाद इसमें हरी मिर्च और प्याज, मैंने एक बड़ा प्याज और हरी मिर्च 3-4 काट ली हैं, क्योंकि ये हरी मिर्च में ही सब्ज़ी बनेगी, इसमें हम लाल मिर्च का यूज़ नहीं करेंगे, ग्रीन है तो ग्रीन ही रहने देंगे। यहाँ पे हमने एक टमाटर यूज़ किया है और बहुत कम मसालों में इसका जो टेस्ट आया वो बाल फली। और मैं आपको बताऊं, बहुत सारी जो ग्रीन सब्जियां आती हैं जो बीन्स टाइप की होती हैं, वैसा टेस्ट था और बहुत ही बढ़िया टेस्ट था इसका आलू के साथ, तो मुझे बहुत ही पसंद आई, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर किया जाए। तो देखिए, मैंने इसमें आलू डाल दिए हैं और इसको तेल में पहले अच्छे से फ्राई करना है। इसमें अभी पानी वानी कुछ नहीं यूज़ करना है, हम पानी यूज़ करेंगे लेकिन आलू को गलाने के लिए, फ़िलहाल हम इसे तेल में अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो चलिए, इसको हम ढक देते हैं, करीब 2 से 3 मिनट हमने ढका इसको। देखिए, कलर अभी भी इसका ग्रीन है, बस यही देख के मज़ा आता है, सब्ज़ी है तो सब्ज़ी जैसी लगनी चाहिए। तो अभी हम इसको और फ्राई करेंगे। अब यहाँ पे हमने इसको 1 मिनट और रखा, तो देखिए ये अच्छे से भुन चुकी है, ज़्यादा अभी फ्राई करेंगे तो ये जल जाएगी, तो इसलिए हम गैस स्लो कर देते हैं। अब इसमें हल्दी पाउडर यूज़ करेंगे, धनिया पाउडर यूज़ करेंगे, बस इसमें लाल मिर्च का यूज़ नहीं करना है। तो हल्दी और धनिया डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लें, टेस्ट इसका आएगा बहुत ही बढ़िया वाला, क्योंकि हम इसमें कोई भी एक्स्ट्रा मसाला यूज़ नहीं करेंगे। और हम यहाँ पे पानी यूज़ कर लिया हमने आलू को गलाने के लिए, अब हम इसमें नमक ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार, इसको अच्छे से मिला लें। मिलाने के बाद इसको हम फिर से एक बार ढक देंगे, अब करीब ढकेंगे 2 मिनट के लिए, गैस को स्लो ही रहने दें। तो चलिए, हो चुके हैं हमारे 2 मिनट, देख लेते हैं। देखिए, सब्ज़ी का पानी सूख चुका है और हमें इसको सूखा ही बनाना है, और ये सब्ज़ी हमेशा सूखी ही अच्छी लगती है। तो चलिए, इसको हम धनिया डाल के इसको गार्निशिंग कर लेते हैं। सब्ज़ी हमारी बनके तैयार है। वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए, रेसिपी आपको क्या चाहिए, आगे क्या देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताइए, मैं आपकी कमेंट पढ़ता हूँ। और अब मिलेंगे हम नए वीडियो के साथ कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और सब्ज़ी ये हो या दूसरी कोई भी मेरी सब्ज़ी हो, आप कमेंट करके अपना राय दे सकते हैं कमेंट में, मैं सबकी कमेंट पढ़ता हूँ। और ये सब्ज़ी वास्तव में बहुत ही बढ़िया बनी थी, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।